मैं अपने दोस्त तकी साहब के पास चलूंगा एक बड़ा चटपटा सवाल लेके, सुनने वालों को आनंद आ जाएगा। राघव चड्ढा ने कहा, रत्नाकर भाई आप भी सुनिए, मजेदार है ना, यहां तनाव करने से क्या फायदा, 28 को वहां करना तनाव जो करना, यहां तो आनंद लो। राघव चड्ढा ने एक कहा, वो भी संविधान पढ़ रहे हैं आजकल, उनने कहा कि भाई जो वारंट है प्रोटोकॉल का, उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नंबर 3, ठीक। उन्होंने कहा इसलिए राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। इस बात को समझिएगा, जरा बड़ा मासूम बात है, बड़ी प्यारी बात है। मैं तकी साहब समझना चाह रहा हूं, दिल्ली का जो वारंट है उसमें LG नंबर 1 है क्या? तो मोहल्ला क्लिनिक से लेके और शौचालय क्लिनिक, शौचालय तक जो बन रहे हैं सार्वजनिक, जिनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं लगातार, है धुआंधार, उनमें LG क्यों नहीं ले जाते? जो प्रोटोकॉल का वारंट है उसमें LG नंबर 1 है दिल्ली में, बाकी सब उसके नीचे हैं। तकी साहब नहीं, नहीं दिल्ली आप LG से, आप LG को पान की दुकान का भी उद्घाटन नहीं करने देते क्या? दिल्ली वाले मामले में अमिताभ जी आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया, यहाँ आप जस्टिफाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री को और वहाँ आपको राजपाल समझ में आ रहे हैं। नहीं, मैंने तो राघव चड्ढा की बात कही भाई, अब आप मुझसे नाराज हो, मैंने राघव चड्ढा की बात कही। मंत्री जी यहाँ प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट कर रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति जी को बचा रहे हैं, लेकिन वहाँ LG को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर राष्ट्रपति वारंट में नंबर 1 है तो वही स्थिति LG को हासिल है। लोकतंत्र वहाँ भी है, लोकतंत्र यहाँ भी है, दोनों जगह लोकतंत्र। कल ठीक, प्रधानमंत्री हर रेलवे गाड़ी को, हर झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं, उस राज्य में रुकिए, एक मिनट रुकिए। जो दिल्ली में केजरीवाल, सो देश में मोदी जी, ठीक। अगर केजरीवाल सुलभ शौचालय का उद्घाटन भी नहीं छोड़ रहे, मोहल्ला क्लिनिक का भी नहीं छोड़ रहे, पानी के टैंकर का भी फीता काट रहे, तो वो क्यों नहीं काटेंगे? आप भी तो LG को पान की दुकान तक कभी उद्घाटन नहीं करने दे रहे। LG अगर ये कहे कि भैया एक आध शौचालय का ही उद्घाटन करवा दो, आप वो भी नहीं मान रहे। इसलिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरही तो नर न घनेरे, ठीक है। रत्नाकर भाई एक बड़ा, अरे रुको दादा, रत्नाकर भाई एक बड़ा तार्किक प्रश्न है, क्या संविधान का बड़ा उल्लेख हो रहा है यहां तो कम, देश भर में नाना प्रकार के संविधान विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं इसी विवाद पर, क्या संविधान में कहीं ऐसा उल्लिखित है कि केंद्र के स्तर पर आयोजित होने वाले सारे उद्घाटन समारोह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे और राज्यों में ये काम राज्यपाल करेंगे, ऐसा कहीं है? एक जो स्थिति राष्ट्रपति की है वही एक, सुन तो बात, सवाल सुनो फिर आप उत्तर देंगे, बीजेपी से लड़ो मुझसे थोड़े ना भाई, वही राज्यों में राज्यपाल की स्थिति होती है, ठीक। किसी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को किताबों के विमोचन और फल प्रदर्शनी और फूल प्रदर्शनी के अलावा कोई काम करने दिया देश में? रत्नाकर जी, अमिताभ जी देखिए, मैं अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही, पहले तो मैं 40 मिनट में सिर्फ एक मिनट बोलने का मुझे समय मिला, जी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी उतना समय देंगे जितना ओपी भाई को दिए। जी जी, मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा था कि जो है राष्ट्रपति कस्टोडियन होता है कार्यपालिका का, और लोकसभा या राज्यसभा से संबंधित जो संसद है वो कार्यपालिका के तहत आती है, और प्रमुख होने के नाते निश्चित रूप से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि वो उद्घाटन करें। अब ये बताइए, अगर सरकार उनके पास जाती और कहती कि आप उद्घाटन करिए, और वो किसी कारण से अगर व्यस्त रहती या फिर कहीं बाहर विदेश दौरे पे रहती, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कर सकते थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन वह देश में उपलब्ध है, देश में ही है, और वह उनके पास कोई इन्विटेशन गया नहीं, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं आप जो है जब वोट लेने की बारी आती है तो आप महिला बताते हैं, वोट लेने की बारी आती है तो आदिवासी बताते हैं, वोट लेने की बारी आती है तो आप दलित बताते हैं, और जब सम्मान देने की बात आती है तो आप सब भूल जाते हैं ये सब सारी चीजें।
दो चीज मेरे मित्र ने कहा, ओपी सिंह ने, एक तो कहा, ये उदाहरण दे रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री लोगों ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, संसद के एनेक्सी का उद्घाटन किया था। मैं कहना चाहूं ये नया संसद है, यह संसद जो होता है वो लोकतंत्र का एक मंदिर होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं संसद से, और ये लोकतंत्र के मंदिर में कोई मंदिर को आप तुलना घंटी से कर दे रहे हैं या किसी फुट स्टेप से कर दे रहे हैं, तो ये वाजिब है क्या? आप लाइब्रेरी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करा लीजिए, ठीक है प्रधानमंत्री जी कर दिए, लेकिन ये एक नया संसद मिल रहा है देश को, तो उसका क्यों नहीं उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा? दूसरी चीज ये कह रहे थे कि भवन की कमी, बिल्कुल भवन, देखिए भवन की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है और भवन की जैसी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो संसद भवन हमारा पुराना था, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, तमाम जो इनके भवन है, जो संसद भवन है, वो कई सौ साल पुराने हैं, हमारा तो ये बामुश्किल से 95-96 साल पुराना है। ठीक है, मैं बात पूरी कर लूं जी, ये महज 95-96 साल पुराना है। मेरे कहने का मतलब आप हजारों करोड़ खर्चा करते हैं, करिए, लेकिन फिलहाल उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। दूसरे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज है अपनी अपने ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज के संयोज के रखे हैं, उसको एक्सपेंशन करिए, जीर्णोद्धार करिए। ठीक है, आगे बात, आगे अब मैं ओपी सिंह के पास चलूंगा। मुझे पता नहीं कि बहुत कम लोगों को इतना अवसर मिलता है राजनेताओं में भी, क्योंकि उतने लंबे समय तक आप संसद में रह नहीं पाते, सारे लोग एक बार दो बार जीते फिर हार जाते हैं। चुनाव मैं 25 साल लगातार संसद गया हूं एक पत्रकार के नाते, 25 साल चौथाई शताब्दी, ठीक, इसलिए मुझसे बेहतर ये बहुत कम लोग जानेंगे कि इस मौजूदा संसद भवन में व्यवस्थागत समस्याएं बहुत ज्यादा थी। मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता चूंकि मैं अमेरिका और लंदन गया नहीं, मैंने देखा नहीं वहां का, वहां हो सकता चीजें मेंटेन रहे, जरूरी नहीं कि 100 साल में मेरा घर गिर जाए और मोहम्मद तकी का अच्छा बना रहे, इसमें क्या बोल रहे, कोई ऐसा रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनका क्यों नहीं गिरा। अरे नहीं गिरा उनका, उनके साथ अल्लाह की मर्जी, अच्छी बात है, शुभकामनाएं, लेकिन हमको पता था, हम वहां खाना खाते थे कैंटीन में, हमको पता था क्या समस्याएं हैं, हमको पता था स्मेल कहां से आ रही है, हमको पता था बार बार शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जगह की कमी थी, वो सब चीजें, उस बहस में आज नहीं जाऊंगा, वो होना था हो गया। मैं फिर वही कह रहा हूं, क्या सिद्धिरमैया की सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल से कराने का साहस रख सकती है, क्योंकि वहां कर्नाटक का राज्यपाल भी कस्टोडियन है राज्य का, वहां के वारंट में वो नंबर एक पर है, उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर डीके शिव कुमार, नहीं ना करते हो, व्यवहारिक सच को मानिए। मैंने कहा इंदिरा गांधी और बीबी गिरी में चेहरा कौन था देश का? बीबी गिरी को तो कभी बाहर ही नहीं आने दिया, बोले अंदर रहना, बाहर मत निकलना। अरे गेंदा की माला पहनाई हो तो हमको बताओ ना, 71 की लड़ाई जीतने के बाद। बीबी गिरी छोटे राष्ट्रपति थे, नैनो टेक्नोलॉजी से आए थे, वो राष्ट्रपति नहीं थे। बात तो एक करो, नपना एक रखो भाई, जो बीबी गिरी सो द्रौपदी मुर्मू, जो राजेंद्र प्रसाद सो द्रौपदी मुर्मू। बता दीजिए राजेंद्र प्रसाद जी ने, वो तो पहले राष्ट्रपति थे और बड़े तपस्वी व्यक्ति थे, आजादी की लड़ाई के नायक थे, राजेंद्र प्रसाद से 3 उद्घाटन बड़े कराए हो तो बता दीजिए। अभी ने ओपी सिंह के पास जाएंगे, आपको तो मैंने बता दिया, विनय सक्सेना को 4 जनता क्लिनिक के पहले उद्घाटन कराओ, एलजी से 4 जनता क्लिनिक के उद्घाटन कराओ पहले, और पंजाब में भी भगवंत मान से कहो एलजी से करा, पंजाब के जनता क्लिनिकों के श्रृंखला का उद्घाटन मान भी नहीं कर रहा, अरविंद जी जाके कर रहे हैं, वहां के गवर्नर बैठे हैं, वो गवर्नर भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमारे सम्मान में मैदान में कब आओगे, ये तो सोचो ना, वो भी वहां के संवैधानिक प्रमुख है। खैर, ओपी सिंह, क्या आपको लगता है कि ये जो 28 का इवेंट है ये एक कारण हो सकता है तात्कालिक, लेकिन ये बेसिक एफर्ट, मूल प्रयास है विपक्षी यूनिटी का 24 के लिए,
क्योंकि अब जो भी कवायद है 24 में बहुत समय तो बचा नहीं चुनाव में। देखिए अब आपका कहना बिल्कुल सही है, राजनीति में आजकल दो शब्द का प्रयोग है, गठबंधन। और होता क्यों है? वो होता है समान विचारधारा और लोकतंत्र संविधान को बचाने। और एक होता अनुबंध। गठबंधन तो बहुत सालों साल तक कर सकता है, अनुबंध होता है किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए कुछ लोगों के सशर्त गठबंधन को अनुबंध कहा जाता है। और जैसे ही वो काम खत्म होता है वो अनुबंध टूट जाता है। तो इस देश के अंदर बहुत से गठबंधन अनुबंध चल रहे हैं। आजकल गठबंधन किसी से नहीं है, अनुबंध चल रहा है। भैया तुम हमारे साथ रहो, तुमको हम तुमको पश्चिम बंगाल में मदद करेंगे, तुम हमको बिहार में कर देना। नहीं तो मैं आपको भी बोलना नहीं दूंगा, कम से कम अफ्ताब जी के बजट में मर्यादा का पालन करना सीखिए। आप फोन देने से कुछ नहीं होगा, बजट तो हम सब तक आपके अंदर कुवत हो तो जवाब देना, अपनी बारी का इंतजार करो, मर्यादित ना बनो समाजवादी पार्टी की तरह। हाँ तो मैं ये कहता अफ्ताब जी कि अब इसका कितना ये किस लिए हो रहा है, इनका नेता कौन होगा, ये तो दूसरा डिबेट चलाएंगे तब बताया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि हर प्रांत में कहीं तू कहीं हम, कहीं उसका कहीं इसका जी चल रहा है। हम कहते हैं कि भाई पहला ही मैंने सेंटेंस कहा कि जिस दिन शिलान्यास किया था मोदी जी ने इस नए संसद भवन का, उस दिन भी विरोध हुआ। क्या जरूरत है पैसा फूकने की? अरे भाई ये जितना जो भवन की कमी है, केंद्रीय सरकार के भवनों की जो कमी है वो प्राइवेट बिल्डिंगों में चलाई जाती है। और करोड़ों रुपया सरकार को क्या देना पड़ता है? किराया देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है किराया। और किराया जो लेने वाले हैं, अब तार दिया पुराने पत्रकार हैं, पता कर लीजिएगा 90% बड़े बड़े कांग्रेसियों के वो बंगले हैं जो प्रतिमाह करोड़ों रुपया किराया देते हैं। अभी इस पर पर्दा उठना बाकी है। उनको तकलीफ ये है कि घर बैठे बैठाए पेंशन के रूप में जो ये करोड़ों रुपया किराया सरकार से हम लेते थे वो बंद हो जाएगा। अब तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, कौन उसका इतना किराया देगा? अरे कांग्रेस के जमाने में भवन को लिया, कांग्रेस के जमाने में उसका हमने तय किया। उसको जरूरी है कि कांग्रेस के नेता 2 करोड़ रुपया गमले से सब्जी पैदा करता था, अब आज भी पैदा करता है 2 करोड़ की सब्जी ही पैदा कर रहा होगा। जाहिर सा है कि हर प्रदेशों में कुछ भी करते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये विरोध कर रहे हैं, हमको तो डर ये है अफ्ताब जी इसका विरोध कर रहे हैं। 28 तारीख को हो जाएगा, कहीं विपक्षी दल ये न बोल दे कि हम जो है संसद में जाएंगे ही नहीं, नए संसद में 19 दल के लोग उसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है भाई, सबको रोके। मैं संजय राणा के पास चल रहा हूँ। अभी रुकिए रत्नाकर जी, आप भी रुकिए, ओपी सिंह जी आप रुकिए, दोनों लोग रोकिए, रत्नाकर सिंह जी ओपी सिंह जी। संजय राणा ये बार बार संविधान, ठीक है भाई, आगे बात संविधान की बात हो रही है। मैंने जिस वक्त आपसे संपर्क टूट गया तो उस वक्त मैंने एक बड़ी संविधान में बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लिखत पढ़त में मान्य में नहीं, लिखत पढ़त में भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। संजय राणा सुन रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू के समय में जब भारत चीन से हारा तो हमने राष्ट्रपति को दोष नहीं दिया, जबकि वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर है। 71 में जब भारत पाकिस्तान से जीता और बांग्लादेश का निर्माण किया, हमने सारा क्रेडिट इंदिरा जी को दिया, जगजीवन बाबू तक को नहीं दिया, वो रक्षा मंत्री थे, वो भी बेचारे पीछे रह गए, वो तो खैर अलग कहानी है। और उस समय के राष्ट्रपति बीबी गिरी को गेंदे की माला भी नहीं पहनाई, आगे करना तो छोड़ो कि उनकी कभी फोटो खिंचा देते नहीं, इतिहास की किताबों में देख लीजिए, सरकारी किताबों में देख लीजिए, 71 की लड़ाई का विवरण सरकार के डिटेल में देख लीजिए, कहीं बीबी गिरी का नाम है क्यों नहीं है?